तीन हालतों में बीवी के साथ कंडोम चढ़ाकर हम बिस्तरी करना जायज है। औरत की जिस्मानी कमजोरी, अगर औरत की जिस्मानी सेहत कमजोर है और औरत को बच्चा लेने से इसकी जान को खतरा होता है और डॉक्टर्स भी बच्चा लेने से मना करते हैं, तो ऐसी हालत में आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं और शरीयत भी कंडोम के इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है ताकि बीवी हामला ना हो और उसकी सेहत खराब ना हो। बच्चे की जिस्मानी कमज़ोरी, अगर बच्चे की जिस्मानी सेहत कमज़ोर हो और कुछ छोटा हो और माँ का दूध पी रहा हो, तो इसका सेहत का ख्याल रखते हुए शौहर कंडोम का इस्तेमाल करके बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है और हमल को रोक सकता है। शरीयत भी कंडोम चढ़ाकर हम बिस्तरी करने की इजाज़त देती है। बीवी हैज की हालत में हो, अगर बीवी हैज की हालत में हो और शौहर को हद से ज़्यादा शहवत आई हो, शौहर की शहवत बेकाबू हो, तो वो कंडोम चढ़ाकर बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, क्योंकि कंडोम चढ़ाकर इसके अजू पर औरत की हैज की गलाजत नहीं लगेगी, तो शौहर बहुत सी बीमारियों से भी बच जाता है और उसकी शहवत भी पूरी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।